हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को हमारे चैनल एसेट गेमिंग पर फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो है मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं पबजी मोबाइल के ग्लिच के बारे में। जो ग्लिच दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले आया था, पबजी मोबाइल का नहीं प्ले स्टोर का ग्लिच था। कुछ दिनों पहले ही दोस्तों ये ग्लिच आया था और ये जो तहलका मचा दिया था ग्लिच ने, इस ग्लिच से आप लोग दोस्तों फ्री में यूसी ले सकते थे। तो इस वीडियो में उसके डिटेल्स के बारे में बात करूंगा, इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे आगे। और अब बात करेंगे दोस्तों पबजी मोबाइल के एक नया सिस्टम हेल्थ रिमाइंडर के बारे में। इन दोनों के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना, पूरा इस वीडियो को देखना। तो ज़्यादा इमोशन नहीं करते, वीडियो के मुद्दे पे आते। तो मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं गेमिंग। चलो शुरू करा जाए। शुरू करने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जब से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वो करना बहुत ज़रूरी है। तो चलो शुरू करा जाए। पहले तो आप लोगों को सामने ग्लिच के बारे में बात करना चाहूँ। ग्लिच दोस्तों प्ले स्टोर में आया था। प्ले स्टोर में एक दोस्तों कोड कुछ दिनों पहले निकल के आया था, जिस कोड को दोस्तों आप लोग रेफरल कोड में जाने के बाद देने के बाद आप लोगों को 140 रुपीज़ मिलता था। उसके बाद गूगल ओपिनियन इंस्टॉल करने के बाद कुछ जो है सिस्टम्स के साथ खिलवाड़ करने के बाद दोस्तों पबजी मोबाइल में आप लोग जाएंगे और यूसी खरीदेंगे तो आप लोगों को जो है फ्री में यूसी मिल जाता था। प्ले स्टोर के जो पेमेंट मेथड जो है वो स्किप हो जाता था। दो दिन पहले दोस्तों ये ग्लिच आया था, दो दिन में ही दोस्तों तहलका मचा दिया था उस ग्लिच ने। बहुत से लोगों ने पबजी मोबाइल में दोस्तों 8100 यूसी फ्री में ले लिया पबजी मोबाइल में, और उन्होंने शायद से रॉयल पास भी खरीद लिया। तो बहुत ही प्लेस्टोर के साथ बहुत एक बुरा ग्लिच आया था। बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। इसका फ़ायदा उठाना कोई भी जो समझदारी वाला काम नहीं था। जो लोग इस ग्लिच का जो है फ़ायदा उठाए, अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि यार मैं भी अगर कर पाता तो बहुत अच्छा था। दोस्तों आप लोग ना किए वही अच्छा था, क्योंकि दोस्तों इस ग्लिच का फ़ायदा जिन लोगों ने भी उठाया उन लोगों के साथ या फिर उनका अकाउंट रीसेट कर दिया जाएगा या फिर बैन कर दिया जाएगा परमानेंट। जो लोग उस यूसी से कुछ भी खरीदेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, तो अब वो जो लोग उस यूसी से रॉयल पास खरीद चुके हैं तो उन लोगों का जो सब जो पबजी मोबाइल बैन कर दिया जाएगा या फिर पबजी मोबाइल को रीसेट कर दिया जाएगा। रीसेट मतलब आप लोगों का जो पबजी का अकाउंट है वो फिर से फास्ट लेवल से शुरू होगा, तो ये कर दिया जाएगा या फिर आप लोगों को जो है परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा इस जो है ग्लिच के यूज़ करने से। तो आप लोग अगर ना किए इस ग्लिच को यूज़ तो मत कीजिए, और आप लोग अगर यूज़ कर चुके यूज़ ही खरीद चुके हैं पर कुछ भी नहीं किए तो उसको कुछ भी मत कीजिए, उसको रहने दीजिए। अगर आप लोग रिक्स लेना चाहते तो रिक्स ले लीजिए। पबजी मोबाइल से अगर हट गया, मतलब पबजी मोबाइल के नज़र से हट गया तो आप लोग बच गए, या फिर अगर आप लोगों को जो है पकड़ में आ गया पबजी मोबाइल के तो आप लोगों का अकाउंट जो है अकाउंट बैन होगा या फिर रीसेट कर दिया जाएगा। आप बात कर लेता हूँ हेल्थ रिमाइंडर के बारे में। हेल्थ रिमाइंडर दोस्तों एक नया जो है सिस्टम आया है जो पबजी मोबाइल में, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है 0.11.5 के साथ ही दोस्तों ये आया था। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आप लोग अगर दिन में 6 घंटे से ऊपर गेम खेलना चाहो भी तो नहीं खेल सकते। 6 घंटे के ऊपर आप लोग जो है 6 घंटे के बाद पबजी मोबाइल को जो है बंद कर दिया जाएगा। पबजी मोबाइल का जो आप लोगों सर्वर है वो डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, चाहे आप किसी भी सर्वर पे हो, किसी भी नेटवर्क पे हो, जियो एयरटेल, मुझे मतलब पबजी मोबाइल को इसके कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप लोग 6 घंटे का जो है कवर करोगे पबजी मोबाइल डिस्कनेक्ट हो जाएगा सर्वर से। तो ये दोस्तों क्यों किया गया दोस्तों, कुछ दिनों पहले इंडिया में बहुत सारे दोस्तों केसेस हुए हैं, कुछ लोग जो सुसाइड किए हैं, कुछ लोग जो है पढ़ाई छोड़ के जो गेम में लगे हुए हैं। तो इसके लिए दोस्तों इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया है, 6 घंटे से ऊपर आप लोग नहीं खेल सकते। तो ये आप लोग जो मेरे जो चैनल पे आप लोग स्क्रीनशॉट देख रहे हो वो मेरा एक फ्रेंड का है, मतलब मेरा फ्रेंड का फ्रेंड है उसका है, मतलब बहुत दूर का मैंने कह दिया, तो बहुत दूर में ही रहने देते हैं। पर दोस्तों उसका जो क्या हुआ कि वो 6 घंटे से इस गेम को खेल रहा था कंटिन्यूस और पबजी मोबाइल, उस दिन के लिए उसका जो सर्वर को डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों पबजी मोबाइल जो है ऑन नहीं हुआ उस दिन के लिए। उसके बाद दूसरे दिन दोस्तों वो ऑन हुआ, जिस टाइम पर वो ऑफ हुआ था सुबह शायद से 5:30 या 6 बजे से वो दोस्तों ऑन हो गया था। पबजी मोबाइल का जो सर्वर है वो फिर से ऑनलाइन आ गया था। तो अब मैं छोटा सा आप लोगों को सजेशन देना चाहूँगा, इससे तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, मतलब यही था न्यूज़ दोस्तों। पर छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा, आप लोग अगर उस ग्लिच को नहीं यूज़ किया हो तो मत कीजिएगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ। पर दोस्तों अगर आप लोग खेल रहे हो गेम को कंटिन्यूस 3-4 घंटे तो दोस्तों उसको जो एक काम कर दो दोस्तों, 3-4 घंटे गेम का एडिक्शन बहुत ही बुरा होता है। आप लोग 2-2.5 घंटे ठीक है मान लेते, 2-2.5 घंटे तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है, 3 घंटे भी चल जाता है। पर दोस्तों 4-5 घंटे या फिर 6 घंटे दोस्तों एक गेम को खेलना कंटिन्यूस वो दोस्तों आप लोगों के हेल्थ के लिए बहुत ही बुरा है दोस्तों।
आप लोग मत खेलिए उसको, जो 6 घंटे तक बहुत ही ज़्यादा होता है, पर 3 घंटे तक आप लोग खेल सकते हो, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, पर फिर भी बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है हेल्थ में। 3 घंटा भी बहुत ही ज़्यादा होता है एक गेम को आप लोग कंटिन्यूस लेके बैठे हो 3 घंटे तक, वो भी दोस्तों बहुत ही बुरा इफेक्ट डालता है हेल्थ में। पर आप लोग अगर एडिक्ट हो चुके हो तो धीरे धीरे कम करो। आप लोग अगर 6 घंटे तक खेलते हो, मतलब 6-7 घंटे आप लोग खेलते थे, तो आप लोग उसको जो है 6 घंटे से ऊपर तो नहीं जा सकते। पर दोस्तों आप लोग ये कर सकते हो कि आप लोग 3-4 घंटे तक खेलो, फिर आहिस्ता आहिस्ता 3 घंटे कर दो, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 घंटे कर दो, 2-2.5 घंटे तक आप लोग खेलो। जितना कम हो सके उतना कम खेलो, इतना ज़्यादा मत खेलो। खेलने को मना नहीं कर रहा, मतलब किसी भी गेम को खेलने में मना नहीं कर रहा, सिर्फ पबजी मोबाइल नहीं। पर दोस्तों मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप लोग जो है पबजी मोबाइल खेलो या फिर कुछ भी गेम खेलो, पर ज़्यादा एडिक्टिवली मत खेलो, मतलब ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक मत खेलो, एक शॉर्ट टाइम तक खेलो, फ्रस्ट्रेशन दूर कर दो या फिर आप लोग थकान है तो वो दूर कर दो, फिर आप लोग जो है फिर से दूसरा काम में लग जाए। फ्रेंड की तरफ आप लोगों को सजेशन दे रहा हूँ, तो आप लोग अगर मानते हो मुझे फ्रेंड, तो जब से मैं कहूँगा कि आप लोग मानो इस बात को। मैं खुद भी इतना ज़्यादा नहीं खेलता, मेरा भी दोस्तों मेरा भी बहुत एडिक्शन है पबजी मोबाइल में, पर मैं दो से 2.5 घंटे तक ज़्यादा से ज़्यादा खेलता हूँ, पर 3 घंटे बहुत ही ज़्यादा होता है, 3 घंटे भी मैं नहीं जाता दोस्तों। तो मैं भी आप लोगों को मानता हूँ कि मैं भी खेलता हूँ, पर दोस्तों 2-2.5 घंटा इनफ होता है, पर 3 घंटा 4 घंटा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोग एज अ फ्रेंड अगर आप लोग मानते हो तो जैसे मैं इस सजेशन को लेना जरूर से सोचना जरूर से आप लोग बैठ के कि मैं क्या कहा। अगर आप लोग को मेरा सजेशन पसंद आया तो जैसे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुछ भी मत कीजिए, अगर कमेंट्स लाइक भी मत करना चाहो तो मत कीजिए, पर शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का कुछ फ्रेंड्स का अकाउंट से बच जाए उस ग्लिच से यूज़ करने के बाद आप लोगों का अकाउंट जो है बंद हो सकता था। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करने के बाद उन लोगों का जो है अकाउंट बंद होने से बच जाए, या फिर जो हेल्थ रिमाइंडर है उससे मेरा जो मैंने कहा उसको सुनने के बाद उन लोगों का थोड़ा सा मन भी बदल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करना चाहे तो जरूर से कमेंट कीजिएगा कि मेरा सजेशन मैंने जो भी कहा वो ठीक कहा कि गलत कहा, जरूर से कीजिएगा। मैं आप लोगों को जो है प्लीज़ लिखता हूँ, क्योंकि उस में आप लोगों का कमेंट सेक्शन में आप लोग कुछ भी लिखोगे तो उससे दोस्तों इस वीडियो का इंपैक्ट बढ़ेगा। तो दोस्तों सब कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा, और उसके बाद जो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद जो घंटा है उसको दबा दीजिएगा। मैं मिलता दोस्तों अगली वीडियो में आपसे कुछ इस तरह के इंटरेस्टिंग नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखे और बाय।